मथुरा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ग्राम प्रधान का बड़े सच का खुलासा हुआ है। जी हां, ग्राम प्रधान कमल सिंह पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान कमल सिंह द्वारा आवास, शौचालय के नाम पर, पेंशन के नाम पर ठगी की गई है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में योगी ने कहा था कि गांव में विकास होगा और पानी आएगा, गांव में शौचालय बनेंगे, लेकिन योगी सरकार में ग्राम प्रधानों द्वारा कितना विकास करवाया गया है तस्वीरों में देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चूहा ब्लॉक के अंदर आने वाले गांव बरौली में ग्राम प्रधान ने एक जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी गांव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण आस लगाए बैठे हैं कि हमारी समस्या का निस्तारण कब किया जाएगा। मकान की समस्या, लैट्रिन की। अच्छा, तो इससे क्या शिकायत की अपने प्रधान से? अपने करे आ रहे हैं कहते हैं बस। अच्छा, इसमें आपसे कुछ पैसा भी लिया गया? पैसा ले गए। कितने पैसे दिए गए? मकान के जन 2 दिन 3,000 रुपए लगे, लैट्रिन के 500 रुपए लगे। अच्छा, फिर तो अभी तक कोई आपका नहीं तो शौचालय बनाए, नहीं आवास बनाए, कुछ भी नहीं। और पानी के लिए कर, आपके गाँव में पानी कैसा है? पानी की व्यवस्था नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे, ना तो हमारे यहाँ पानी पीने की कोई सुविधा, नल कुआ जी, और ना कोई खंजरा वगैरह, ना कोई घर मकान। अच्छा जी, और ना लैट्रिन बाथरूम। अभी तक आपकी नहीं तो कोई शौचालय बनाए, नहीं कोई आपके घर के लिए रास्ता है, और नहीं पीने के लिए आपको पानी, कोई कुछ ना। बच्चे जोर में कूद कूद, मुर्गी, सुअर, कुत्ता, बताइए। तो आपने इसकी शिकायत प्रधान से की? सर, हमने प्रधान से शिकायत करी, हाँ हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा, यही कहते हैं। तो अभी तक कोई आपको आश्वासन कोई नहीं मिला है?